हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपको एक कैलकुलेशन का ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप बात कर रहे हैं एप्पल की, तो 5 किलो मान लीजिए सेव ले लीजिए, तो 5 किलो लिख दिया हमने, यहाँ पर आए, यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं, मान लीजिए कि 70 रुपया 80 रुपया किलो सेव मिल रहा होगा, तो यहाँ 80 रुपया लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 किलो को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि हैश वैल्यू एरर आ जाएगी। अब इसका क्या उपाय है, कैसे ये सही होगा, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली देखिए ये जो किलो लिखा है ना हमने, इस पूरे देखिए ये पूरा हिस्सा यहां तक हमको लिखना है, लिखा ही हुआ है, लिखना क्या है, इस पूरे हिस्से को सिलेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी की बात हो रही है तो यहां पर आप कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस कीजिएगा, अल्फा न्यूमेरिक की 1 प्रेस कीजिएगा, यहां से आ जाइएगा कस्टम पर। जैसे ही कस्टम पर आएंगे तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा जनरल, ठीक है। यहां पर आ जाइए, डबल ट्रेड कोर्स को ओपन कीजिए, ठीक। अब जैसे ही डबल ट्रेड कोर्स को ओपन करेंगे तो यहां पर हमें लिखना क्या है ये समझना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए किलो में सेव बिकेगा, दाल बिकेगा, तो यहाँ किलो लिख दीजिए, ठीक है, किलो लिख दिया, बस ओके कर दीजिए, हो गया काम, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखेंगे 5 किलो, या किलो अपने आप आएगा, ठीक है। अब ये हो गया 6 किलो, ये हो गया 4 किलो, ये हो गया 2.5 किलो, तो ये देखिए अपने आप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, 4.5 किलो, तो ये अपने आप लिखा हुआ आएगा, ठीक है। राइस 10 किलो हो गया, तो ये अपने आप केजी लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस की जैसे ही बात आएगी तो इसको पूरा हटा दीजिए, पहले हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर लेते हैं फिर से, इसका बड़ा महत्व है, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये करते हैं हमने, फिर यहाँ जनरल आ रहा है, ठीक है, कस्टम पे जाने के बाद यहाँ जनरल आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसके ठीक पहले आना है और यहाँ पे लगा देना है डबल ट्रेड कोर्ट्स में RS, RS माने रुपया, अगर इंडिया के नहीं है, कहीं बाहर के हैं तो आप RS के बजाय कुछ और दे सकते हैं, और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो जब ओके करेंगे तो अब यहाँ इसका दाम लिखना है, कीमत लिखनी है, तो 1 किलो सेव की कीमत लिखी जाएगी यहाँ पे, तो मान लीजिए 70 रुपया किलो 1 किलो की कीमत है, तो यहाँ RS अपने आप आ गया, संतरे की कीमत 40 रुपए किलो है, ठीक है। इसी तरह से मैंगो है तो आम की कीमत 35 रुपए किलो है, इसी तरह से पाइन एप्पल की कीमत 60 रुपए किलो है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है पल्स, तो दाल की कीमत 120 रुपए किलो है, ठीक है, राइस है तो 50 रुपए किलो है, तो ये इस तरीके से आता चला जाएगा। लेकिन अब समस्या देखिए क्या होगी, यहाँ पर आते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं इन दोनों को, ये ले लिया हमने इनटू और इसको मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर तो आ जा रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मेट चेंज कर रखा है, इस वजह से ये आ जा रहा है, और यहाँ पे केजी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब केजी लिखा हुआ है तो केजी को हटाने का क्या तरीका है, तो यहां पर क्या करना है आपको, फिर कंट्रोल के साथ और 1 बटन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ केजी दिखेगा आपको, तो ये केजी हटा दीजिए, ठीक है, केजी हटा देंगे तो ये केजी लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आरएस करना चाहते हैं तो आरएस दे सकते हैं, देखिए ये आरएस, या फिर जनरल ही रहने देते हैं, ये जनरल रख देते हैं इसको, तो ये देखेंगे कि ये 350 रुपया यहाँ पे आ गया है। अब इसको यहाँ नीचे ड्रैग करवाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये देखिए ये ड्रैग करवाने पर सब आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रुपया का सिंबल लेके आना है, तो रुपया का सिंबल आएगा कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से मिलेगा, और इंडिया वाली करेंसी आपको देखनी है तो यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे चले जाइएगा, देखिए अकाउंटिंग रुपया का फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, तो बस लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।